देखिए, आज चरखी दादरी पुलिस के द्वारा एक मेजर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें 20 से अधिक क्रिमिनल्स के ठिकानों पे आज सर्च ऑपरेशन किया गया था। ये सर्च ऑपरेशन हम सुबह 5 बजे से ही कर रहे हैं। लगातार 7-8 घंटे का सर्च ऑपरेशन था और जियो साइबान के नेतृत्व में ये सर्च ऑपरेशन किया गया है। और काफ़ी इलैबोरेट हमने सर्चेस करी हैं, काफ़ी लंबा समय दिया है। और इसमें मुख्य तौर से हमारी जो रिकवरी है, बरामद की है, वो है कि हमें एक मुख्य आरोपी, मुख्य बदमाश के घर से 2 मैगजीन्स मिली हैं और आर्म्स एक्ट के अंडर उसका हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक और जो क्रिमिनल है, उसके यहाँ से 6 kgs का एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मिला है, जिसमें भी मुख्य हमने FIR दर्ज कर ली है। इसके अलावा सभी 20 ठिकानों से हमने जो अहम दस्तावेज़ हैं वो सीज़ करे हैं और उनको खंगाला जाएगा और आगे की नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। इसके अलावा हमने संदिग्ध मोबाइल फोन्स, 9 के करीब मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स बरामद किए हैं। उनको भी साइबर सेल के द्वारा हमने एक टीम गठित कर दी है और साइबर सेल के द्वारा उनके ऊपर काम चल रहा है। और ये भी देखा जाएगा आगे कि इन क्रिमिनल्स का भी आगे कौन कि किसके साथ ये एसोसिएटेड हैं और उनके ऊपर भी आगे कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, चरखी दादरी में मेनली 3 गैंग्स हैं, एक कासनी गैंग, बाबा गैंग और साहुआज गैंग। इन तीनों के गैंग मेंबर्स को हमने चिन्हित किया था आज, और जो इनके मुख्य गैंग मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये सर्च ऑपरेशन चलाया था। कहाँ कहाँ पे हरियाणा में चला, किसके हाँ, ये IG रेंज मिस्टर राकेश आर्या सर हैं, उनके नेतृत्व में ये रोहतक रेंज में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आज चरखी दादरी एंड भिवानी में ये सर्च ऑपरेशन हुआ है जी। इसमें आज हमने 2 FIRs दर्ज कर लिए हैं, एक आर्म्स एक्ट के अंदर, एक एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर, और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसका नाम है अमित उर्फ होटला। ये गामड़ी गांव के रहने वाला है। तो आगे की क्या फिर कार्रवाई रहेगी? इस तरीके की दबिश और सर्च ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेगा। हमने अभी करीबन 80-90 ऐसे ही गैंग मेंबर्स हो गए या और बदमाश हो गए, उनकी लिस्ट बना ली है और इनके घर पे भी लगातार रेड करी जाएगी, दबिश डाली जाएगी और इस तरीके का ऑपरेशंस लगातार जारी रहेंगे। तो स्पेशल टीमों का गठन किया आगे इस तरह की कार्रवाई करने के लिए? जी, ये थोड़ा हम स्पेशल टीम जो हमारे CIA स्टाफ है या फिर जो रेडिंग पार्टीज है, हम वो स्पेशल लगाते हैं और करीबन 8-9 घंटे की ये गतिविधि रहती है, तो स्पेशल टीमों का ही गठन करते हैं और GO के नेतृत्व में ये गठन करते हैं। मैं खुद भी सुपरवाइज करती हूँ। आज जो कार्रवाई हुई, 20 टीम्स हमने बनाई थी। इसके अलावा साइबर सेल की एक अलग टीम थी और करीबन 90 या 100 के करीब हमने पुलिस कर्मचारी सर्च ऑपरेशन में लगाए थे। आज की जो कार्रवाई थी उसमें खुद सुपरविजन कर रहे थे आप? यस, खुद मैं सुपरविजन कर रही थी और कोऑर्डिनेट हमारे दोनों DSPs इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और गांव वालों ने भी इस सर्च ऑपरेशन में काफ़ी सहयोग दिया है, विटनेस के तौर पर या फिर दूसरे तरीके से काफ़ी सहयोग दिया है। तो उनके लिए भी आगे से ये मैसेज है कि इसी तरीके की गतिविधियों में पुलिस का साथ दें, ताकि बदमाशों के ठिकानों पे लगातार दबिश रहे। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि पूरा लीगल जो हमारे प्रोविजंस हैं उनके तहत ये सर्च ऑपरेशंस चलाए गए। इसके अलावा गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनको विटनेस के तौर पे लिया जाता है इसमें, ताकि वीडियोग्राफी कराई जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई डाउट किसी को ना हो और प्रॉपर लीगल प्रोविजंस के तहत ये कार्रवाई हुई है।